हाँ जी आ जाओ फिर तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यार आप लोगों ने वीडियो के टाइटल से देख लिया होगा, जो भी आज हम लोग के प्रोडक्ट्स हैं ना वो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आप अपने बैग में कैरी कर सकते हो अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, एंड इन केस ऐसे भी आप बहुत आराम से यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। एंड मैंने नोटिस किया ये टाइप के प्रोडक्ट्स आप लोगों को देखने में ज़्यादा मज़ा आता है एंड मेरे को दिखाने में बहुत मज़ा आता है यार। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो चलो जो हमारे पास फर्स्ट चीज़ है इसे ओपन कर लेते हैं। अब इस पर तो यहाँ पर जो नाम है वो आप लोगों को दिख रहा होगा, सेल्फी स्टिक। तो फिर ये जो सेल्फी स्टिक है इसे ओपन कर लेते हैं। देख रहे हो आप, अनबॉक्सिंग करने में सब काम आ जाता है। ऑलराइट, तो जैसे कि आप ये देख सकते हो यार, इसको देख के आप लोगों को लग नहीं रहा होगा बट इसमें काफ़ी सारे फीचर्स इन लोगों ने इंक्लूड कर दिए। मतलब ये ऐसी चीज़ है कि इन्होंने सोचा चलो एक ही में सब डाल देते हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले हम लोग इसकी सेल्फी स्टिक चेक करने वाले हैं। एंड ये कुछ इस तरह से ओपन हो जाती है। ओके ओके ओके, ये ओपन होती जा रही है, बस इतनी ओपन होगी। एंड ये जो टॉप का पार्ट है ना ये स्ट्रेचेबल है, तो फिर आप इसमें अपना कोई भी साइज़ का फ़ोन आराम से लगा पाओगे। चलो यहाँ पे मैं अपना फ़ोन प्लेस कर देता हूँ, ये लग गया है। और ये साइड से भी है ना, तो आप इसको आराम से एंगल भी एडजस्ट कर सकते हो इस पर। तो यहाँ पे मैं ये एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ जी, तो ये कैमरा सेट हो चुका है, मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई। तो यार ये बढ़िया है। और इसमें एक चीज़ मैंने नोटिस करी, इसका ये जो नीचे का जो हैंडल है ना काफ़ी मोटा है, काफ़ी थिक है, तो ऐसे ग्रिप पकड़ने में काफ़ी आसानी हो रही है। हेलो, तो ये भी यार एक बहुत बढ़िया चीज़ है। तो ये तो हो गई हम लोग की सेल्फी स्टिक। एंड ये जो आप लोगों को दिख रहा होगा ना, जो इसका हैंडल है, ये एक्चुअली में एक स्पीकर है, आप लोगों को लग भी रहा होगा देख। तो ये यार ये जो इसका हैंडल वाला पार्ट था ना सेल्फी का, ये एक्चुअली में एक स्पीकर है। एंड अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे एक ग्रीन LED लाइट भी ब्लिंक कर रही है, तो इट मीन्स इट इज़ कनेक्टेड, हम लोगों ने कनेक्ट किया था। तो चलो अब बारी आती है स्पीकर की, तो अब मैं इसको कुछ सॉन्ग्स प्ले कर लेता हूँ फटाफट। 99 साउंड तो यार आप लोग देख ही सकते हो काफ़ी बढ़िया है। एक टाइम पे ये गाना मैं भी लगाता था तो ये साउंड बहुत अच्छा है इसका। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे फॉरवर्ड बैकवर्ड का बटन है, तो आप फॉरवर्ड बैकवर्ड भी कर सकते हो सॉन्ग को। ऑलराइट, तो फिर काफ़ी आराम से काफ़ी बढ़िया बज रहा है यार ये स्पीकर, बटन्स भी प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक और बटन है, वो पॉज तो है ही बट उसके साथ एक और फीचर है इसका, तो वो तो यहाँ पे इसमें एक टॉर्च लाइट भी है यार। तो आप जैसे कि देख सकते हो इसके कितने सारे फीचर्स हो गए। और ये साइड में भी देख लेते फटाफट, तो यहाँ पे एक इन लोगों ने हुक दिया है, आपको इनकेस बैग में अटैच करना है या कहीं और लगाना है तो हुक पे लगा सकते हो। एंड उसके बाद यहाँ पे ये अगर आप ओपन करते हो तो यहाँ पे एक USB पोर्ट, तो अब यहाँ से हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। एंड डैम ये पावर बैंक भी बन चुका है। अरे भाई इसमें लाइट्स दिख रही है क्या आप लोगों को? भाई एकदम पावर बैंक जैसे इंडिकेट भी कर रहा है लाइट। हाँ मैं ये बोल सकता हूँ कि ये फास्ट चार्जिंग पावर बैंक नहीं है, बट ऑब्वियसली यार ये चार्जिंग ही दे रहा है, यही काफ़ी बड़ी बात है। मतलब ऐसा था कि इन्होंने सोचा ही नहीं कुछ और बनाना है लाइफ में, इन्होंने एक ही चीज़ में सब बना दिया है। एंड यहाँ पे इन लोगों ने एक microSD कार्ड का स्लॉट दिया है, ऑब्वियसली इसको भी चार्ज करना पड़ेगा ना, इतनी पावर दे रहा है तो इसे भी आप चार्ज कर सकते हो, यहाँ पे इसका चार्जिंग का पोर्ट है। तो ऑल इन ऑल ये सारे फीचर्स मिला जुला के ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है एंड मल्टीपल काम कर देगा आप लोगों के। तो फिर ये एक ऐसी चीज़ है डेफिनेटली आप अपने बैग में कैरी कर सकते हो, एंड क्वालिटी वाइज भी ठीक लग रहा है मेरे को, नाइस। हाँ जी, चलो फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट पे आते हैं यार। ये प्रोडक्ट जैसे कि आप देख ही सकते हो इसका नाम ही है दी असेंबली। तो फिर ये एक बैकपैक है असेंबली का, चलो इसे ओपन कर लेते हैं। वो पैकिंग तो काफ़ी अच्छी लग रही है यार, तो ये ओपन कर लेता हूँ मैं इसे। तो हम असेंबली बैग को ओपन करते हैं। ऑलराइट, ये वो ओपन हो चुका है यार। तो बेसिकली इसे कुछ ऐसा डिज़ाइन किया है कि इसमें आप अपनी जितनी भी एसेसरीज है ना रख सकते हो काफ़ी आराम से, एंड वो ये कि आपको अलग अलग नहीं रखनी पड़ेंगी, सब आप एक साथ रख सकते हो। तो ऑलराइट, ये रही अपनी कुछ एसेसरीज जैसे कि आप देख सकते हो। तो ऐसे यार आप भी कुछ चीज़ें अपने बैग में कैरी करोगे तो रख के देखते हैं यार। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, तो मास्क रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है यार। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यार इसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें अपनी प्लेस कर दी हैं एंड बहुत आराम से चली गई, कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने ठूसा है तो फिर काफ़ी अच्छे से रख गया ये सब। और मेरे को एक चीज़ अच्छी लगी, जो उसके पॉकेट साइज़ है ना वो काफ़ी अच्छे दिए इन लोगों ने, तो काफ़ी आराम से सारी चीज़ें प्लेस हो जाती हैं। एंड यहाँ पे इन लोगों ने एक पॉकेट दी है जो जिप वाली है, तो फिर इसके अंदर आप
अपनी जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो रख सकते हो ताकि वो मिसप्लेस ना हो। जिसका बैक पॉकेट है ना तो उसके अंदर आप अपना टैबलेट भी प्लेस कर सकते हो, काफ़ी आराम से चला जाएगा। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इन लोगों ने हुक्स दिए हैं, तो कोई चीज़ अगर आपको इससे अटैच करके रखनी है तो आप वहाँ पे ही अटैच करके भी रख सकते हो। उसके बाद काफ़ी आराम से आप इसे बंद करके लेके जा सकते हो। बाहर से भी आप देखोगे ना ये भी एक थोड़ा हार्ड केस है, तो फिर ये आपको एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी दे देगा। तो यार ये भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगा एक असेंबली टेक ऑर्गेनाइजर, क्योंकि इसमें जितने भी आपके एक्सेसरीज हैं मेरे ख्याल से सब कवर हो जाएंगे आराम से। और यार इसकी एक और चीज़ बहुत अच्छी है, इसके साथ आपको इसका वाटरप्रूफ कवर मिलता है, तो कुछ इस तरह से आप इसको लगा सकते हो। एंड तो ये है कि बारिश के टाइम पे भी आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल जाएगा बैग में, तो यार ये भी अच्छी चीज़ है। एंड जितने भी प्रोडक्ट्स मैं दिखा रहा हूँ सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेंगे, तो आप जाके चेक कर सकते हो जो भी चीज़ आपको पसंद आए। चलो फिर नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। हाँ जी, एक और चीज़ है मेरे पास काफ़ी बढ़िया। अब तो ये ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है यार, बट अगर आप बाहर हो कहीं ट्रैवल कर रहे हो या कोई भी पब्लिक एरिया में बैठे हुए हो ना तो बहुत बढ़िया आपके काम आने वाली है। तो ये एक ऑक्स स्प्लिटर है, बट इसमें आप जैसे कि देख सकते हो कितने सारे इसमें ऑक्स पोर्ट्स हैं। तो बेसिकली कैसा है कि अगर आप कोई पब्लिक प्लेस पर बैठे हो एंड अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो तो यहाँ पे आप मल्टीपल ईयरफोन्स कनेक्ट कर सकते हो, टोटल आप 5 ईयरफोन्स कनेक्ट कर सकते हो। एंड वही अगर आप कोई एक डिवाइस से म्यूजिक प्ले कर रहे हो या फिर कोई मूवी देख रहे हो तो बहुत काम आने वाला है आप लोगों के। और मेरे ख्याल से आप कहीं ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो तो उधर तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, सब लोगों को ले आना, अपने दोस्तों को एक ही से कनेक्ट कर लेंगे और फिर मस्त अपना सुनो यार, बाहर वाले को कुछ समझ में नहीं आएगा। एंड इसके साथ आप लोगों को एक एक्स्ट्रा ऑक्स कॉर्ड मिल जाती है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आप मल्टीपल ईयरफोन्स कनेक्ट कर पाओगे और आप लोगों को बाहर किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करना पड़ेगा। तो अच्छी चीज़ लगी मेरे को ये भी। ऑलराइट, तो यार जो अपनी अगली चीज़ है ना यार, ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है। वो कहते नहीं लव एट फर्स्ट साइट, ये मेरे को देखते ही पसंद आ गई थी। मैंने कहा कि भाई ये चीज़ अपने को दिखानी है और बहुत बढ़िया है। तो ये एक एक्चुअली में गाइस वॉलेट है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो चलो इसे ओपन कर लेते हैं। ओहो हो हो यार, ये ऐसा था कि मैंने देखा, मैंने कहा कि ये हाँ मुझे चाहिए। ओहो हो ओके, तो ये रहा हम लोगों का वॉलेट। एंड इसके साथ हम लोगों को क्या मिलता है एक्स्ट्रा, आप लोगों को कुछ ऐसा एक बटन होल्डर मिल जाता है, इसको रख देते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, पैकिंग बहुत अच्छी थी, अभी चलो देखते हैं। तो यार ये स्पेसिफिक वॉलेट मंगाने के पीछे भी एक रीज़न है, तो जैसे कि आप देख सकते हो इसे ओपन करते हैं। ओके, ये ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे जैसे कि अपना हम लोग कैश रख देंगे एंड यहाँ पे हम लोग कार्ड्स रख सकते हैं, तो चलो कैश रख देते हैं। कैश रख दिया है हम लोगों ने, तो उसके बाद आपके जो भी कार्ड्स हैं वो आप इसमें कुछ इस तरह से प्लेस कर सकते हो। यार यहाँ पे मैं प्लेस कर देता हूँ। चलो यहाँ पे ही आप देख सकते हो एक सॉलिड केस है जिसके अंदर मैं ये कार्ड्स प्लेस कर रहा हूँ। तो ये एक्चुअली में वॉलेट से थोड़ा अलग है एंड ये जो सॉलिड केस है ना वो RFID ब्लॉक करता है, तो आपके जो क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड रहेंगे ना उसमें एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन तो वैसे ही आ गया। एंड उसके भी नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे भी स्पेस है, तो फिर यहाँ पे भी हम लोग अपने जो आइडेंटिटी कार्ड्स हो गए, IDs रह गए, वो यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैं IDs यहाँ पे सब लगा देता हूँ अपनी, एंड कार्ड्स भी हम सब रख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये वॉलेट हो चुका है सेट। एंड जैसे कि आप देख सकते हो ये मेरे नॉर्मल वॉलेट जितना ही विड्थ में है ऑलमोस्ट, और जो उसका साइज़ है ना वो आप अगर कंपेयर करोगे तो वो काफ़ी छोटा है उससे। तो इसका जो बेनिफिट है वो लड़कों को समझेगा, तो आप इसे जीन्स की फ्रंट पॉकेट में काफ़ी आराम से रख पाओगे। एंड वेट फॉर द मैजिक, जो यार मेरे को फाइनली दिखाना था। तो फिर एक्चुअली में इसमें ना नीचे की साइड में आप देखोगे तो एक हुक है या फिर एक बटन है, तो जैसे आप इसे पुल करते हो एंड आपके जो कार्ड्स हैं वो सारे ऊपर आ जाएंगे। तो एक बहुत बढ़िया चीज़ है कि डायरेक्टली आप अपने कार्ड्स यहाँ से निकाल सकते हो, फिर जैसे आपने यूज़ कर लिया कोई भी कार्ड तो उसके बाद आप लोगों को उसे वापस प्लेस करना है एंड उसके बाद ये आराम से चले जाएंगे। और ऐसे बिल्कुल नहीं निकलने वाले हैं, क्योंकि इसमें जो आप देखोगे ना तो अंदर की साइड में ग्रिप है अच्छी खासी, तो कार्ड्स को काफ़ी बढ़िया तरीके से होल्ड करती है, बट जैसे आप नीचे से पुश करते हो ये सारे कार्ड्स ऊपर आ जाते हैं। तो यार यही मेरे को स्पेसिफिक चीज़ थी जो बहुत अच्छी लगी इसकी, प्लस बाकी नॉर्मल वॉलेट की तरह तो ये वर्क करता ही है। आप पीछे अपना कैश रख सकते हो एंड यहाँ से निकाल के दे सकते हो। तो यार ये बढ़िया चीज़ है और कलर वलर सब बढ़िया लगा मेरे को एंड डिज़ाइन भी अच्छा है, और शायद अब से मैं भी ये यूज़ करूँ क्योंकि ये हैंडी बहुत है और साइज़ में भी बहुत छोटा है। तो अच्छी चीज़ लगी, अगर आपको चाहिए तो फिर आप भी चेक कर सकते हो, लिंक सब डिस्क्रिप्शन में रहेंगे। 500 रुपये का ये कुछ, तो पूरा वर्थ है प्राइस के अकॉर्डिंग भी, तो आप चेक कर सकते हो अगर आपको पसंद है तो। तो नेक्स्ट जो अपनी चीज़ है वो सर्वाइवल टूल भी हो सकता है। तो ये एक USB टॉर्च लाइट है, बट स्पेसिफिकली इंक्लूड करने का रीज़न मैं आप लोगों को बताता हूँ। फर्स्ट चीज़, एक तो ये काफ़ी बढ़िया और काफ़ी सॉलिड टॉर्च लाइट है, जिसका कि आप देख सकते हो बैक साइड में बटन है एंड यहाँ से काफ़ी पावरफुल टॉर्च स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एकदम LED टॉर्च लाइट है, जैसे कि आप देख सकते हो यार कितना स्पेसिफिकली ये ब्राइट कर रही है, टेबल पे भी आप लोगों को काफ़ी आराम से समझ में आ रहा होगा। और फिर इसके बाद जैसे कि आप इसका टॉप वाला बटन फिर से क्लिक करोगे
तो ये ऐसे फ्लैश लाइट बन जाती है डिस्को के लिए, बेसिकली इमरजेंसी के लिए रहती है, इमरजेंसी इंडिकेशन के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो, बट मैं डिस्को भी चलाना है तो फिर ऐसे चला सकते हैं। और उसके बाद जो मेरा रीज़न है इसे इंक्लूड करने का कि ये एक नाइट लैम्प भी बन जाता है, तो यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा टॉर्च साइड में भी है, इसमें हर जगह से टॉर्च है, तो फिर ये साइड जो टॉर्च है ना, तो ये बेसिकली एक नाइट लैम्प जैसा है या फिर एक स्टडी लैम्प जैसा है। आप इसे कहीं पे भी आराम से प्लेस कर सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, और ये आप लोगों का काफ़ी बढ़िया एक लाइट का सोर्स बन जाएगा कहीं पे भी जा रहे हो तो। एंड सेल भी नहीं लगाने पड़ते यार, इसमें एक यूएसबी कनेक्टर है, तो फिर ये आराम से यूएसबी से चार्ज हो जाता है। कोई भी एक माइक्रो यूएसबी का चार्जर कहीं से भी लगा देना तो बढ़िया चार्ज हो जाएगा। तो ओवरऑल ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है, एंड डेफिनेटली अगर आपको जरूरत है तो अपने बैग में कैरी कर सकते हो। तो आप लोग बताना यार, आप लोगों का इसमें से कौन सा फेवरेट प्रोडक्ट था। मुझे तो पर्सनली सब अच्छे लगे, यूजफुल तो थे, और मेरा तो फेवरेट वो वॉलेट ही था। तो आप लोग बताना आप लोगों का कौन सा था, और सब प्रोडक्ट के लिंक्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। और मेरे को कोई डिस्काउंट मिलेगा ना तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, तो देख लेना वहाँ पे जाके। और यार हम लोग एक टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ पे भी जाके आप देख लो, कोई बहुत बढ़िया डील आएगी, कोई भी सेल आएगी, तो वहाँ पे भी हम लोग आप लोगों को सब अपडेट करते थे डेली बेसिस पे। हाँ, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना अगर मन करे तो, उसका भी ये रहा आईडी। तो बहुत बोल दिया, तो चलो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।